तो हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल ब्रांच के बारे में बिट्स पिलानी में तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मैकेनिकल ब्रांच है ये चारों कैंपस में अवेलेबल है बिट्स के यहाँ ये रहा मैकेनिकल ब्रांच और ये पिलानी गोवा हैदराबाद और दुबई चारों कैंपस में अवेलेबल है ठीक है और जैसा कि कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे तो मैकेनिकल का जो कट ऑफ था पहले बहुत हाई जाया करता था 2014 के आसपास बहुत हाई रहते थे और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो डिक्रीज़ होते गए जैसे फॉर एग्जांपल गोवा का ही ले लेते हैं पहले 312 था फिर लगभग 319, 322 थ्री बढ़ बढ़ा उसके बाद फिर घटते गया क्योंकि ये थोड़ा अनपॉपुलर हो गया ना आजकल मतलब थोड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो चल रहा है मंडी टाइप का तो इसीलिए इसमें मतलब लोगों को लगा कि जॉब्स कम हो रहे हैं सो तो इसीलिए बहुत लोग इसको आजकल चूज़ नहीं करते बट जिन्हें इंटरेस्ट होता है बेसिकली वो तो करेंगे ही खैर तो ये हो गया मैकेनिकल ब्रांच का कट ऑफ के बारे में अब हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं ई एन आई और मैकेनिकल ब्रांच को कैसे इनका ट्रेंड रहा है मतलब तो जैसा कि आप देख सकते हैं टू थाउजेंड फोर्टीन का ये ई एन आई का कट ऑफ है और ये टू थाउजेंड फोर्टीन का मैकेनिकल का कट ऑफ है सो so, आप नोटिस करेंगे कि मान लीजिए पिलानी कैंपस का लेते हैं तो पिलानी कैंपस में थ्री फोर्टी सिक्स था मैकेनिकल का थ्री फिफ्टी वन था मैकेनिकल का हाई था और गोवा का भी देख लेंगे तो बेसिकली गोवा में भी हाई था और हैदराबाद में भी सो so, पहले मैकेनिकल बहुत डिमांड में था फोरटीन में फिफ्टीन में भी वही है उसमें भी डिमांड में था सिक्सटीन में भी लगभग लग डिमांड में था सेवनटीन में भी डिमांड में था बट एटीन से फिर डिक्लाइन होने लगा एटीन से आप नोटिस करेंगे थ्री 313, थ्री थर्टीन टू एटी नाइन टू एटी सिक्स टू एटी थ्री टू फाइव और 2019 नाइनटीन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया ये रहा टू नाइनटीन का थ्री हंड्रेड थर्टीन टू एट्टी टू सेवेंटी फाइव यहाँ पर टू फोर टू फोर सो so, ऐसा क्यों क्योंकि मतलब बेसिकली आजकल कंप्यूटर साइंस की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं और जो सर्किट्स ब्रांच होती हैं जो कि ई एन एक सर्किट ब्रांच है उनको मैक वाले सिविल वाले केमिकल वाले जो कि कोर ब्रांचेस होती हैं उनमें थोड़ा मतलब ज़्यादा मौका मिलता है सी एस वाले जॉब्स में या आई टी सेक्टर या सॉफ्टवेयर वाले जो जॉब्स होते हैं उनमें बेसिकली ई एन आई ई सी ई ट्रिपल ई -E, इन इन तीनों ब्रांच को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलते हैं मैकेनिकल सिविल और केमिकल से तो ये एक रीज़न था ये मतलब एक वन ऑफ द रीज़न था जिसके कारण कि ई एन आई का कट ऑफ बढ़ गया और मैक का कट ऑफ घट रहा है सो so बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा रीज़न था और भी रीज़न है हम आगे बात करेंगे इसके बाद चलिए अब कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि मैकेनिकल का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है तो ये रहा कोर्स स्ट्रक्चर फोर ईयर्स बी टेक या बी -E का हम अभी फाइव ईयर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो अगर फाइव ईयर्स वाला चाहिए तो मैंने एक ड्यूअल डिग्री पर वीडियो बनाया है उसमें आप जाके देख सकते हैं तो चलिए पहले फर्स्ट ईयर की देखते हैं कि आप अगर मैकेनिकल लेंगे तो आपको फोर ईयर्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं तो फर्स्ट ईयर ये जो फर्स्ट ईयर का ये सब सभी ब्रांचेस पे कॉमन रहता है सो so अगर आपने मेरे पहले की वीडियो कोई से भी देखी है एस सी एस सी या ए एन ए की तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं थोड़ा आगे कर सकते हैं क्योंकि मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करता हूँ जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए तो फर्स्ट ईयर में आपको ये ये सब टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे और सभी ब्रांचेस को यही टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे तो मैं बस ब्रीफ कर देता हूँ किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होता है बायोलैब और जनरल बायोलॉजी इनमें बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको एलेवन ट्वेल्थ की बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी जो कि बहुत लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी और जिसने नहीं पढ़ी जो कि बहुत लोग नहीं भी पढ़ते हैं मतलब ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ के आते हैं एलेवन ट्वेल्थ में बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होती है बायोलॉजी सो कोई चिंता की बात नहीं है फिर आते हैं हम लोग केमिस्ट्री लैब में केमिस्ट्री लैब और जनरल केमिस्ट्री इसमें बहुत मतलब इजी ईजीजी चैप्टर्स होते हैं इक्विलिब्रियम होता है काइनेटिक्स होता है थर्मोडानेमिक्स uh, होता है ये सब बेसिक बेसिक जो फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं और आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक से और कोऑर्डिनेशन कंपाउंडस इनऑर्गेनिक से uh, ये सब चैप्टर्स होते हैं फुल ये क्लास एलेवन ट्वेल्थ का ही होता है केमिस्ट्री फिर आते हैं हम लोग मैथेमेटिक्स वन uh, में मैथेमेटिक्स वन में कैलकुलस होता है बेसिकली तो so, वो भी एलेवन ट्वेल्थ से ही रिलेटेड होता है ज़्यादातर चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें नहीं आपको देखने को मिलेगी और बाकी ये फिजिक्स लैब और ये मैकेनिकल ऑक्सोलेंस एंड वेव्स ये पूरा इलेवेंथ का ही है लगभग कुछ बहुत कुछ चीज़ें जो नहीं पढ़नी पड़ेगी बाकी इलेवेंथ का ही चीज़ है और इसके बेसिस पे आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे फिजिक्स लैब में ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये नया टॉप नया सब्जेक्ट है बेसिकली इसमें करना क्या होता है कि कंप्यूटर के हेल्प से आपको uh, मतलब इमेजिन करके ड्राॅइंग्स बनानी होती हैं लाइक टू डी ड्रॉइंग देगी उसको थ्री डी में और थ्री डी ड्रॉइंग रहेगी उसको टू डी में इस तरीके से ये मैकेनिकल वालों को काम आता है आगे जाके अब आते हैं हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में इसमें मैथेमेटिक्स टू में आपको लीनियर जबराबरा पढ़ना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ना पड़ेगा थोड़ा नया है ये मैथमेटिक्स टू नया रहेगा एलेवन ट्वेल्थ से उतना रिलेटेड नहीं है टेन टू ट्वेंटी परसेंट रिलेटेड रहेगा बस फिर वर्कशॉप प्रैक्टिस इसमें बेसिकली इंडस्ट्री में जो मशीनरीज होती हैं लेथ मशीन और बहुत सारी वो आपको यूज़ करना सिखाया जाएगा ये भी मैकेनिकल वालों को काम आता है आगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपको सी लैंग्वेज सिखाया जाएगा बहुत से लोग सी प्लस प्लस पढ़ के आते हैं इलेवन ट्वेल्थ तो उनको फ़ायदा हुआ लेकिन जो नहीं भी पढ़ के आता है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल साइंस में इलेक्ट्रिकल साइंस में जो आपके जो मिडिल मिड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें क्लास एलेवन ट्वेल्थ का ही जो रहता है ना सर्किट सॉल्विंग रजिस्टर्स और वो सब वो रहेगा और बाकी जो मिड सेमेस्टर से फाइनल एग्जाम के बीच में रहेगा उसमें सेमी और डायवर्ट्स के बारे में ज़्यादा रहेगा फिर टी आर डब्ल्यू ये बेसिकली ऐसे स्पीच और एकेडमिक राइटिंग टाइप का है इसमें इंग्लिश के जो आप लिखते थे स्पीचेस स्पीच और मतलब उस टाइप के वो हैं इसमें फिर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स थोड़ा नया रहेगा आपके लिए और प्रोबेबिलिटी में आधा आपको बेस थियरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो सब रहेगा और आधा कुछ नया मतलब रहेगा प्रोबेबिलिटी में और थर्मोडाइनमिक्स ये एलेवन ट्वेल्थ से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है मतलब टेन टू ट्वेंटी परसेंट है उसके एप्लीकेशन है और कुछ मतलब बहुत कुछ नया है इसमें थर्मेटिक्स में इस जॉब सीखेंगे यहाँ पे तो चलिए आप बात करते हैं मैकेनिकल के सेकेंड ईयर के बारे में तो ये है मैकेनिकल का सेकेंड ईयर ठीक है तो मैकेनिकल के सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो मैथमेटिक्स थ्री पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स थ्री लगभग सभी ब्रांचेस को पढ़नी पड़ेंगी सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें बेसिकली uh, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ठीक है ह्यूमैनिटीज इलेक्टिव्स Uh, ये बेसिकली बहुत सारे आपको ह्यूमैनिटीज़ के मतलब दे दिया जाएगा अगर आपको पूरी लिस्ट देखनी है तो वेरे ई सी वाले वीडियो में आप पूरी देख सकते हैं मैंने इलेक्टिव्स के बारे में उसमें डिटेल में बात किया है बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव्स मतलब बहुत सारे आर्ट्स के आपको टॉपिक्स uh, uh, रहेंगे उसमें से कुछ चूज़ करके आपको पढ़ना पड़ेगा uh, अगर एक्जाम्पल देखा जाए तो म्यूज़िक रहेगा भगवदगीता रहता है सिम्बोलिक लॉजिक uh, इस टाइप के बहुत सारे रहते हैं ह्यूमैनिटीज़ इलेक्टिव उसमें से एक चूज़ करना और फिर वो आपके सी में ऐड होगा यह है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें बेसिकली आपको वही स्ट्रेस स्ट्रेन सॉलिड्स मटेरियल डक्टाइल है कि नहीं वो सब पढ़ना पड़ेगा फ्लुइड मैकेनिक्स एलेवन ट्वेल्थ का थोड़ा सा पार्ट है फर्स्ट चैप्टर है उसके बाद से बहुत कुछ नया आ जाता है डायनमिक्स फ्लूड बेसिकली आप पढ़ेंगे इसमें फिर मकैनिक्स ऑफ सॉलिड आ, ये आ, मतलब जो एलेवन ट्वेल्थ में था उसी का बस वही यूज़ करके थोड़ा नया नया कॉन्सेप्ट है उसमें करना है ज़्यादा मुश्किल चैप मतलब मैकेनिक सॉलिड आसान है लगभग यहाँ पे फिर अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स जो आप फर्स्ट ईयर में थर्मोडाइनिक्स पढ़ेंगे उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है तो आ, मतलब अगर फर्स्ट ईयर में ही अच्छा कर लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे फिर आते हैं हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी ये इस साल से हम लोगों को हटा दिया गया है इसके बदले में यहाँ पे एम में इंक्लूड कर दिया गया लैब शायद कोरोना के कारण किया होगा बट आ, हर साल चेंज होते रहते हैं तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा वो गाइड नहीं कर सकते तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब का पता नहीं अब आते हैं यहाँ पे ये दो इकोनॉमिक्स के आ, मतलब वो हैं बेसिकली इनमें से कोई एक चूज़ करना होता है आपको सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फिर मशीन डिजाइन एंड ड्राॅइंग कंप्यूटर से वो सब ड्राॅइंग करना होता है आई सी प्रोडक्शन टेक्निक्स काइनामेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये सब टॉपिक है वैसे ही आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर में ये सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत कम सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और ह्यूमैनिटीज़ या फिर ओपन इलेक्टिव्स चूज़ करने होंगे ओपन इलेक्टिव्स मतलब आप किसी भी ब्रांच के इलेक्टिव्स ले सकते हैं फॉर एग्जांपल आपको आ, वो पीसीबी में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल का एक इलेक्टिव चूज़ करके आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर बाकी ये आपका बाक, ये रहेगा इसमें फिर यहाँ पे भी आप जब जाएंगे थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे भी आपको इलेक्टिव चूज करना पड़ेगा ओपन या फिर ह्यूमैनिटीज़ में से और ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे फिर फोर्थ ईयर में ओपन और डिसिप्लिन ही करना पड़ेगा और फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्कूल जाना पड़ेगा हाँ प्रैक्टिस स्कूल के बारे में यहाँ पे भी एक सेकेंड ईयर के, के बाद आपको प्रैक्टिस स्कूल जाना पड़ेगा प्रैक्टिस स्कूल बेसिकली इंटर्नशिप टाइप का ही है वो आप अलग अलग प्रैक्टिस स्कूल मतलब कि कंपनीज रहेंगी उनमें आपको चूज़ करना होगा आपके सीजीपी के बेसिस पे आपको Uh, जैसे आप बिट के स्कोर पे ब्रांच भरते हैं ना कि ब्रांच प्रेफरेंस कौन सा चाहिए वैसे ही इसमें प्रैक्टिस स्कूल में भरना होगा और सेम यहाँ पे भी रहेगा प्रैक्टिस स्कूल टू सो अगर आप यहाँ पे जाते हैं सेकेंड ईयर के बाद प्रैक्टिस स्कूल में तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं फोर्थ ईयर में प्रैक्टिस स्कूल के लिए तो ये था कोर्स स्ट्रक्चर तो आइए आप देख लेते हैं कि एवरेज सी कितनी रहती है मैकेनिकल ब्रांच में मतलब कि फर्स्ट ईयर पढ़ लेने के बाद जो मैकेनिकल वाले बच्चे रहते हैं वो कितना स्कोर कर लेते हैं और उनकी एवरेज सी जी पी क्या रहती है तो ये लिस्ट मैंने बनाई थी इसमें ये रहा मैकेनिकल ब्रांच इसमें जो सी जी पी है एवरेज रहती है ये सब सी जी पी है उन बच्चों की और जो एवरेज सी जी पी रहती है वो लास्ट में मैंने यहाँ पर दिखाया ये सेवन पॉइंट टू के आसपास सी जी पी है मैकेनिकल की मतलब फर्स्ट ईयर के बाद मैकेनिकल की जो एवरेज सी जी पी है थी वो सेवन पॉइंट टू थी इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कॉलेज में आने के बाद किस टाइप का कॉम्पिटिशन है ओके okay, तो अब चलिए अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की जो कि है प्लेसमेंट तो प्लेसमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं मैकेनिकल का जो प्लेसमेंट 2016-17 में था वो सेवन लैक्स के आसपास था 6.9 पॉइंट नाइन एवरेज एवरेज पैकेज है year, तो पर ईयर तो 6.9 पॉइंट लैक्स पर एन था फिर उसके बाद 2017-18 में 1.2 बढ़ के एट के आसपास हो गया ठीक है और फिर उसके बाद 2018-19 में उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ 8.1 से 8.7 हुआ ये 2018-19 का पैकेज था एवरेज पैकेज और अगर आपको एक ये भी बताया जाए तो इसका प्लेसमेंट परसेंटेज 80 टू 85 परसेंट रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग गेट के लिए चले जाते हैं और बहुत सारे लोग फर्दर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं तो इसीलिए थोड़ा प्लेसमेंट परसेंटेज वो था तो चलिए और हाँ एक रीज़न ये भी था ई का Uh, क्योंकि पैकेज ई एन आई का थोड़ा हाई है मैंने ई एन आई वाले में अपने वीडियो में बताया कि ई एन आई का पैकेज शायद 11, ट्वेल्व थर्टीन कुछ आस के आसपास रहता है तो क्योंकि मैकेनिकल और ई एन आई में पैकेज का इतना डिफरेंस आ जाता है तो इसीलिए बच्चे थोड़ा प्रेफर कर रहे हैं ई e एन आई को मैकेनिकल के उस पर सो ऐसा नहीं है कि बस मैकेनिकल वो है सो मैकेनिकल का ये भी है कि हेक्टिक uh, थोड़ा कम रहेगा मैकेनिकल ई एन आई के कंपैरिजन में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस थोड़ी हेक्टिक होती है मैकेनिकल की कंपैरिजन में तो जिसको भी हायर स्टडीज़ जाना होता है कोई अच्छे कॉलेज से डिग्री करने के लिए तो वो मैकेनिकल भी चूज़ कर लेता है तो चलिए इस वीडियो में इतना ही आगे की वीडियोज़ में हम लोग केमिकल और सिविल के बारे में बात करेंगे तो थैंक यू वेरी मच प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आगे ऐसे वीडियोज़ कंटिन्यू कर सकूँ थैंक यू वेरी मच